कंट्री ऑफ फूड लवर्स. आजकल तो हम मेन कोर्स में भी स्नैक्स ही खाते हैं एंड वी वांट समथिंग न्यू एवरी डे. तो चलिए बनाते हैं कुछ टेस्टी देसी स्नैक्स. हेलो एंड वेलकम टू स्नैक इन द बॉक्स, जहां पर रेसिपीज होंगी एकदम आउट ऑफ द बॉक्स. फ्राइड ना हो तो मजा नहीं आता. आई नो इट्स नॉट वेरी हेल्दी बट इट्स रियली टेस्टी और कभी कभी तो चलता है. तो चलिए बनाते हैं पासले वड़ी. इसको पहले स्टीम किया जाएगा, इसलिए मैं इसका गैस ऑन कर देती हूँ. मैंने कढ़ाई के अंदर पानी डाला हुआ है और उसके अंदर ये बैम्बू स्टीमर है. तो पासले वड़ी के लिए सबसे पहले हम डो लगाएंगे बेसन से. कोतंबीर वड़ी महाराष्ट्र का एक बहुत ही फेमस स्नैक है और कोतंबीर का मतलब होता है हरा धनिया. मैंने उसको ट्विस्ट देकर उसके अंदर डाल दिया है पाजले और बना दिया है पाजले वड़ी. इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा सूखा धनिया, जिंजर गार्लिक पेस्ट, चिली पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और तिल, सफेद तिल यानी कि सेसमी सीड्स. और अब इसमें मैं डालूंगी गरम मसाला. ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स पहले मिला लेंगे अच्छे से ताकि नमक और मसाले मिल जाएं यूनिफॉर्मली. एंड नाउ आई एम गोइंग टू चॉप पार्सले. पार्सले वड़ी है तो पार्सले काफी डलेगा क्योंकि सारा फ्लेवर ही इसका है. एंड नाउ आई एम गोइंग टू चॉप ग्रीन चिलीज. इंडिया इज अ कॉन्टिनेंट व्हेन इट कम्स टू फूड. इतने सारे रीजन्स हैं यहाँ पे, रूरल एरिया है जहाँ पर रोज कुछ ना कुछ नया ट्राई होता है और इतने सारे स्नैक्स बनते हैं घर पे. इट्स माइंड ब्लोइंग. इफ यू वॉन्ट इंस्पिरेशन यू कैन गेट इट फ्रॉम एनीवेयर. अब इसमें ये हरी मिर्ची और पाजले मैं ऐड कर रही हूँ. साथ में जाएगा लेमन जूस और अब पानी. पानी एकदम धीरे धीरे डालेंगे क्योंकि एक आटे की तरह इसको जैसे रोटी का आटा गूंथते हैं वैसा होना चाहिए ये. माय गॉड, जो खुशबू आ रही है इट्स रियली आउटस्टैंडिंग. सारे मसाले मिल गए हैं और पाजले के साथ एक बहुत ही यूनिक फ्लेवर आ रहा है मुझे. जनरली महाराष्ट्र में इसको स्क्वायर बनाया जाता है बट आई थॉट सिंस आई एम यू नो गिविंग इट अ ट्विस्ट व्हाई नॉट गिव अ ट्विस्ट टू द शेप एज वेल. अब मैं ये क्लिंग रैप अच्छे से रैप करके ताकि इसके अंदर पानी ना जाए, सिर्फ स्टीम होना है इसको, उसके बाद हम फ्राई करेंगे. अब हम इसे स्टीम करेंगे 10 से 15 मिनट के लिए. अब ये पक चुका होगा, मैं इसको स्टीमर से निकालती हूँ. यस, इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद मैं इसके पीसेस काटूंगी और इसको फ्राई करूंगी. तो मैं ऑयल रख देती हूँ गरम करने के लिए. अंदर से पक चुका है, अब मैं इसके पीसेस काटूंगी एक शार्प नाइफ से. ओके, थोड़ा सा नमक देखते हैं कैसा है. स्पाइसी है, मसालों के सारे फ्लेवर आ रहे हैं, नमक इज जस्ट राइट. द बेस्ट पार्ट इज कि आप इस स्टेज पर भी इसको खा सकते हैं. इफ यू डोंट वांट हैव इट फ्राइड यू कैन हैव इट स्टीम्ड. You have to fry it until golden in color. अब इसको पलटेंगे, देखिए कितनी जल्दी फ्राई हो गया और कलर भी एकदम
गोल्डन आ गया, इट्स लुकिंग सो प्रिटी. इसको अब निकाल लेते हैं, एकदम गोल्डन हो गया है कलर में. और खुशबू, ओ माय गॉड, खुशबू आई कांट डिस्क्राइब इन वर्ड्स, आई कांट एक्सप्रेस हाउ ब्यूटिफुल माय हैप्पी स्पेस इज टुडे. तो मैं इसके साथ सर्व करूंगी बॉकनचीनी, सिंस आई हैव यूज्ड पार्सले. तो इटालियन फ्लेवर्स हैं तो चीज तो अच्छा लगेगा ही. और गार्निश करूंगी मैं इसको कुछ रेड बेल पेपर्स से एंड ऑफ कोर्स पार्सले. कोतमबीर वड़ी तो आपने खाई होगी, अब ये पार्सले वड़ी खाकर देखिए. ये यमी डिश तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, शेयर करती हूँ एक क्विक रिकैप. पार्सले वड़ी बनाने के लिए आपको चाहिए 1 कप पार्सले लीव्स, 1 कप बेसन, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, हरी मिर्च, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून सफेद तिल, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टेबलस्पून लेमन जूस, स्वाद अनुसार नमक, फ्राइंग के लिए ऑयल. अब इस रेसिपी को बनाने की विधि नोट करें. एक मिक्सिंग बोल में बेसन, नमक, धनिया पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, सफेद तिल और गरम मसाला पाउडर डालकर मिला लें. इसके बाद इसमें पार्सले लीव्स, कटी हुई हरी मिर्च, लेमन जूस और पानी डालकर इसका डो बना लें. तैयार डो को क्लिंग रैप में बाइंड करके 10 से 15 मिनट तक स्टीम करें. डो को ठंडा होने दें और इसके बाद उसे स्लाइसेस में काट लें. एक कढ़ाई में तेल गरम करके इन स्लाइसेस को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें. पार्सले वड़ी को बॉकनचीनी चीज के साथ सर्व करें. वेलकम बैक. अगली रेसिपी जो मैं बनाने जा रही हूँ, दैट्स अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ फ्यूजन स्नैक. बनाते हैं गोल्डन स्टिक्स. मुझे तो इसका नाम ही बहुत पसंद है, गोल्डन स्टिक्स. व्हाट आर यू थिंकिंग? थोड़ा गेस कीजिए कि मैं क्या बनाने वाली हूँ. सबसे पहले मैं अनियंस को चॉप करूंगी. अनियंस चॉप हो गए हैं, अब मैं चॉप करूंगी ग्रीन चिली. जब तक स्नैक थोड़ा तीखा ना हो मजा नहीं आता. एंड ऑफ कोर्स ये फ्यूजन रेसिपी है, जैसे मैंने आपको बताया इटालियन क्विजीन और गुजराती क्विजीन का फ्यूजन है. एंड इट्स अ ब्यूटिफुल फ्यूजन, यू विल फॉल इन लव विद इट. चिलीज भी हो गए हमारे चॉप. नाउ आई एम गोइंग टू चॉप सम बेल पेपर्स, रेड एंड येलो. मिक्स कर लेंगे. कितने ब्यूटीफुल कलर्स आ गए हैं इसमें. इंडियन और इटालियन इंग्रेडिएंट्स का ब्लेंड, लवली. यहां पे हमारे पास एलपिनोस जो एक लिफ्ट देंगे इस डिश को. इसे भी मैं फाइनली चॉप करूंगी. एक तरफ रख लेते हैं इसे भी. तो चलिए अब मैं एक बेकिंग ट्रे निकालूंगी और इसके ऊपर ये है फाफड़ा, जो कि गुजराती स्नैक है एंड इट्स रियली रियली पॉपुलर. और आप सोच रहे होंगे मैं अपनी डिश को गोल्डन स्टिक्स क्यों कह रही हूँ. ऑफ कोर्स दे आर द गोल्डन स्टिक्स. इसको हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे बेस पे. अब इसके ऊपर हम डालेंगे ये चॉप्ड onions, bell peppers, green chilies. Look at those colors. It's looking so pretty. इसको अच्छे से फिल करेंगे और डालेंगे ये jalapenos, little bit. Here you are. और अब इसको देते हैं एक चटपटा ट्विस्ट. अब मैं इसके अंदर डालूंगी चाट मसाला, थोड़ा चटपटा बनाने के लिए. Little bit of chili flakes, थोड़ी सी हीट होनी चाहिए इसमें, and some cheese. Look at those colors, it looks so pretty. चलिए अब लगाते हैं इसकी second layer. Mm-hmm.
और सेम लेयर्स रिपीट करेंगे. अनियंस, बेल पेपर्स, चिली, एलोपिनोज. कितनी मजेदार बात है ना ये, एक गुजराती स्नैक उसके ऊपर एक इटालियन ट्विस्ट. और ये डिश मैंने खाई थी इंदौर में. सो मच ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. एंड आई ऑलवेज से फूड ऑलवेज गेट्स पीपल टुगेदर, और ये डिश उसको प्रूव करती है. नाउ चीज. तो मैंने सबसे पहले लेयर लगाई थी एलोपिनोज की, अनियंस की, बेल पेपर्स की, उसके ऊपर इतना सारा चीज. देन अगेन अ लेयर ऑफ फाफ्राज, और उसके बाद अनियंस, पेपर्स, एलोपिनोज एंड लॉट्स ऑफ चीज. जस्ट इमेजिन जब आप इसकी एक बाइट लेंगे कितना मजा आएगा. अवन को मैंने प्रीहीट किया हुआ है एट 200 डिग्रीज, और ये गोल्डन स्टिक्स जाएंगी टॉप शेल्फ पे अंटिल द चीज मेल्ट्स एंड बिकम्स गोल्डन इन कलर. यमी. Looks so pretty. So let me take it out of the baking tray and shift it into my plating dish. और ये लीजिए, तैयार हो गई आपकी perfect fusion, यानी कि golden sticks. इस melt in the mouth recipe का देखते हैं quick recap. गोल्डन स्टिक्स बनाने के लिए आपको चाहिए 80 ग्राम फाफड़ा, 2 प्याज, 2 से 3 स्लाइस्ड हैलपीनोज, 1 हरी मिर्च, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 कप प्रोसेस्ड चीज, चुटकी भर चाट मसाला, लाल और पीली शिमला मिर्च. अब इस रेसिपी को बनाने की विधि नोट करें. सबसे पहले प्याज, हरी मिर्च, लाल और पीली शिमला मिर्च को चॉप करके मिला लें. फाफड़ा को बेकिंग ट्रे पर रख कर उस पर चॉप्ड वेजिटेबल्स, चॉप्ड हैलपीनोज, चाट मसाला, चिली फ्लेक्स और चीज डालें. अब उस पर फाफड़ा की एक और लेयर इस तरह बना लें और उसमें फिर से स्टफिंग भरें. 200 डिग्री के प्री हीटेड अवन में रखकर 10 मिनट तक बेक करें. गोल्डन स्टिक्स तैयार हैं. जो स्नैक मैं अब बनाने जा रही हूँ वो असम से आया है. नाम है एसमीज गीला पीठा. मैं एक कप पानी में ये गुड़ डाल रही हूँ. गुड़ को थोड़ा सा चॉप कर लूंगी. ये डिश मेरे लिए बहुत ही खास है क्योंकि मेरी फ्रेंड मुनमुन ने इसे मुझे पहली बार बहुत ही प्यार से खिलाया था. वो आसाम से है, और जब मैं उनसे बात कर रही थी खाने के बारे में, और उन्होंने कहा ये उनकी फेवरेट डिश है, और जब उन्होंने मुझे ये टेस्ट करवाई आई फेल इन लव विद द सिंप्लिसिटी ऑफ द डिश. और इसीलिए ये डिश मेरे दिल के काफ़ी करीब है. ये डिश असम के बिहू फेस्टिवल पे बनाई जाती है. तो ये जैगरी खुद ब खुद गुनगुने पानी में पिघलती जाएगी, और इसमें मैं डाल रही हूं चुटकी भर कार्डमम पाउडर. ये है चावल जिसको मैंने 3 घंटे के लिए भिगोया है, और अब मैं इसको ग्राइंड करूंगी इनटू अ पेस्ट. यही पानी में थोड़ा सा डाल देती हूँ क्योंकि अल्टीमेटली ये मिक्स होंगे. अब इसे ग्राइंड करते हैं. That's it. और इसी में मैं मिलाऊंगी थोड़े से उबले हुए चावल. अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 से 3 बड़े चम्मच उबले हुए चावल. ये बाइंडिंग में हेल्प करेंगे. अ क्विक स्पिन अगेन. दिस इज परफेक्ट. अब इसको एक बोल में निकालेंगे.
इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा कार्डमम पाउडर, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, अ लिटिल बिट ऑफ बेकिंग पाउडर, अ पिंच ऑफ सॉल्ट टू कट द स्वीटनेस, और लेमन जेस्ट। लेमन जेस्ट एक बहुत ही अच्छा लेमनी हिंट देगा इस डिश को। इट्स अ डिजर्ट स्नैक तो काफी अच्छा ब्रेक मिलता है इससे। ये है आमंड्स, इसको ड्राई रोस्ट करते हैं। जब ये रोस्ट हो जाएंगे मैं इसको फाइनली चॉप करूंगी। अब ये गुड़ जो मिल गया है इसके अंदर जैगरी, इसको इसमें मिक्स कर देंगे और एक बैटर टाइप कंसिस्टेंसी बनाएंगे जो फ्राई हो सके। ऑफ कोर्स यू कैन ऐड एज मच बॉइल्ड राइस टू इट टू गेट द डिजायर्ड कंसिस्टेंसी। ये तैयार है अब और इसे फ्राई करते हैं। आमंड्स भी रोस्ट हो गए, मैं इसको निकाल रही हूं। इसे ठंडा कर लेंगे, तो चलिए इसको फ्राई करेंगे। इट्स स्मेलिंग रियली रियली डिलिशियस एंड वेरी डिफरेंट। बहुत ही आराम से इसको ऑयल में हम बनाएंगे। जब तक ये फ्राई हो रहा है हम आमंड्स को स्लिदर कर देंगे, यानी कि गीला का मतलब होता है नी कैप, और ये गीला पीठा एकदम नी कैप के साइज का होता है। ये तैयार हो गए हैं। फ्राई होके ये देखिए खुद ब खुद फूलते जा रहे हैं और ऊपर आते जा रहे हैं। बहुत सिंपल सी डिश है और बहुत सिंपल सी प्लेटिंग। पे जाएंगे थोड़े से रोस्टेड आमंड्स और उसके साइड पे भी हम सर्व कर देंगे। और ये लीजिए तैयार हो गया एसमीज गीला पीठा। बनाना चाहते हैं रेसिपी तो देख लीजिए इसका रीकैप। एसमीज गीला पीठा बनाने के लिए आपको चाहिए 2 कप सोक्ड राइस, 2 से 3 टेबलस्पून कुक्ड राइस, आधा कप मेल्टेड गुड़, आधा टेबलस्पून इलायची पाउडर, 1 टीस्पून लेमन जेस्ट, आधा टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 1 कप बादाम, स्वाद अनुसार नमक, फ्राई करने के लिए मस्टर्ड ऑयल। अब इस रेसिपी को बनाने की विधि नोट करें। एक बोल में गर्म पानी और गुड़ को पिघला लें। भीगे हुए चावल को ग्राइंडर में डालकर उसमें गुड़ का पानी मिलाकर ग्राइंड करें। अब इसमें उबले हुए चावल डालकर फिर से ग्राइंड करें। पिसे हुए चावल को एक बोल में निकालकर उसमें इलायची पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक और लेमन जेस्ट डालकर मिला लें। इसके बाद इसमें मेल्टेड गुड़ मिलाकर बैटर बना लें। एक कढ़ाई में तेल गरम करके उसमें बैटर को स्पून से इस तरह डालें और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। एक पैन में आमंड्स को ड्राई रोस्ट करके इस तरह काट लें। गीला पीठा को रोस्टेड आमंड्स के साथ सर्व करें।